क्योंकि गाइस हर एक वो जो सक्सेसफुल इंसान बना है ना, उसकी स्ट्रगल लाइफ को लोग नहीं देखते, लोग ये देखते हैं कि उसके पास में अभी क्या है, लोग उसकी वैल्यू करते हैं, बट उसकी स्ट्रगल लाइफ को वो इंसान ही देखता है जो अपनी लाइफ में उस इंसान जैसा बनना चाहता है। उसकी स्ट्रगल लाइफ में वो क्या क्या गलतियां करता है वो सीख के वो नहीं दोहराता है, क्योंकि उस इंसान को जो सक्सेस होना चाहता है उस इंसान को ये पता है कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी खुद की गलतियों को करके उन गलतियों से वापस में सीखूं। उस इंसान को ये रियलाइज हो चुका है कि यार मेरे को कुछ करना है ना, तो मेरे को गलतियां नहीं करनी है, उन गलतियों से सीखना मेरे को, जिसने गलतियां पहले कर चुकी। जो सक्सेसफुल इंसान है ना, उनकी लाइफ जर्नी के अंदर उन्होंने जो गलतियां की ना, वो उस इंसान उस चीज से सीख सकता है। क्योंकि किसी ने कहा था कि आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप उन गलतियों को करके उन गलतियों से सीखो, इसीलिए दूसरों की गलतियों से सीख जाओ, यही बेटर है। तो आप अपने टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि आप जितना अपने टाइम को वेस्ट करोगे ना, आप अपनी लाइफ को धोखा दे रहे हो, अपने उस सपने को कम करते जा रहे हो। क्योंकि आपके पास में उतना टाइम नहीं है जितना आप सोच रखा है, आपने जो ऐसी लाइफ जीने का सोच रखा है, उस टाइम को आप जो सोच रहे हो ना, धीरे धीरे आपका टाइम कटता जा रहा है। क्योंकि यार हर एक को इंसान सपना देखता है अपने मिडिल क्लास फैमिली में, हर एक इंसान वो सपना देखता है कुछ करने का, कुछ बनने का, लेकिन उसके पीछे कितना एफर्ट करना है वो नहीं जानता, वो कुछ देखना नहीं चाहता, वो कुछ करना नहीं जानता। बट अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको वो हर एक चुनौती हर एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा लाइफ में। अगर सक्सेस ऐसे ही मिल जाती हर किसी को, तो हर कोई आज पॉपुलर होता, हर कोई आज सक्सेसफुल इंसान होता, हर एक इंसान वो ड्रीम लाइफ जीता जो वो जीना चाहता है, हर एक इंसान वो जो उसकी सोच है ना, उसकी सोच को हर एक इंसान कर सकता है। पर सक्सेस पाने के लिए इतनी एफर्ट करनी पड़ेगी, इतना कुछ सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो नहीं करता लोगों को। इसीलिए लोग सक्सेसफुल नहीं बन जाते, क्योंकि आप जितना निकलोगे उतना आपकी वैल्यू होगी, ये आपको पता है, आपको रियलाइज है, बट इस चीज को लोग करना नहीं चाहते, इसीलिए वो सक्सेस नहीं हो पाते। और कर भी लेते हैं तो 50% करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको 50% आगे उनको पहले से ही उनको पता चल जाता है, क्योंकि वो ये सोच लेते हैं कि आगे कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलने वाला, क्योंकि इतना हमने कर लिया, हमको इसमें रिजल्ट नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा, वो इस आस से आगे कुछ नहीं कर पाते। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जिस टाइम पर जिस जगह पर आज खड़े हो, उस टाइम पर थोड़ा सा अगर आप आगे करोगे तो 100% श्योर है कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। पर लोग ये नहीं करते हैं, लोग ये करते हैं कि उस जहाँ पर खड़े हैं वहां से वापस लौट जाते हैं, बट उनको ये रियलाइज नहीं होता कि जितना हम वापस पीछे आएंगे उतना अगर हम आगे जाएंगे तो डेफिनेटली हमको रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। पर लोग ये नहीं करते हैं, लोग गलत चीजें करते हैं, क्योंकि इंसान का जो थिंकिंग पावर है ना, वो दो प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इंसान के दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, और पॉजिटिव थॉट जो है ना, बहुत कम चांसेज है कि पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। और पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर वो एक्शन नहीं लेता, बट नेगेटिव थॉट्स को इतना, क्योंकि एक चीज याद रखना, जैसे कि आप पानी का ड्रम है ना, उसके अंदर आप जब पानी फूल भर गया, उसके बाद में आप अच्छा पानी डालोगे या फिर खराब पानी डालोगे, तो उसको पहले वाले पानी को जब खाली करोगे तब भी आप नए वाले पानी को डाल सकते हैं। उसी प्रकार जब आपके दिमाग के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आप खाली करोगे, तब आप पॉजिटिव थॉट को अंदर लेके जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेके जा सकते। क्योंकि पॉजिटिव थॉट जो है ना, वो बहुत मुश्किल से आते हैं, बहुत अगर आ भी जाते हैं तो उनको हम माइंडली ले नहीं पाते हैं पॉजिटिव थॉट्स को। पर जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो अपने माइंड के अंदर आते हैं, और जैसे हम उनके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं, और हमको कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता। रीजन यही है, लोग जो सोच लेते हैं उसको कर नहीं पाते हैं, और जो लोग ये सोचते हैं कि हमको करना है, तो नेगेटिव थॉट्स के ऊपर भी वो वर्क कर देता है, और उस नेगेटिव थॉट से ही पॉजिटिव थॉट्स को लेके आ जाता है, और पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ जाता है। पर उसके लिए आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जी जान लगानी पड़ेगी, उसको अचीव करने के लिए आपको उस फील्ड के अंदर मास्टर बनना पड़ेगा। क्योंकि जो सपना देख रहे हो उसके पीछे आपको कितना सेक्रीफाइस करना है कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए, बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करना वो नहीं पता। इसीलिए आपने जो ड्रीम्स जो आपने सोच रखा ना, उसकी एक टू डू लिस्ट बनाई, और उस लिस्ट में आप जो जो करना चाहते हो वो लिखिए, और उनके ऊपर एक राइट वे में अपना
स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप जहां पर एफर्ट कर रहे हो पता नहीं आपको कि गलत है या सही है, आपको ये भी नहीं पता कि इससे मेरे को रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर भी आप सोच रहे हो बड़ा कि मेरे को कुछ तो करना है लाइफ में, वहां से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जहां पर आप ऐसे ही एफर्ट कर रहे हो, जहां पर आप ऐसे ही अपनी जी जान लगा रहे हो, वहां से कोई रिजल्ट ही नहीं मिलने वाला आपको इन द फ्यूचर। आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, जहां पर आपको पता है कि रिजल्ट आने वाला है, जहां पर आपको पता है इस चीज को मैं जब इम्प्रूव करूंगा, जिस चीज को मैं सीख जाऊंगा, इस चीज को मैं जब कर रहा हूँ वहां से रिजल्ट लेना चाहता हूँ, तो ले सकते हो उस चीज से आप, बट उसके पीछे आपको एफर्ट करना पड़ेगा। ये फैक्ट चीजें हैं। अगर आप किसी की भी स्ट्रगल लाइफ को निकाल लोगे ना, तो भी आपको यही मिलेगा कि इस चीज को करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि याद रखना, लाइफ में अगर सेटिस्फाई नहीं करोगे, सेक्रीफाई नहीं करोगे कुछ चीजें, तो आपको कुछ नहीं मिलने पाएगा। क्योंकि पागल और गवारा और ये जो गालियां लोग देते हैं ना, वो उन्हीं लोगों को देते हैं जिनके अंदर सेटिस्फाई एंड सेक्रीफाइस करने की हैबिट होती है। पागल, आपको जब भी कोई इंसान पागल बोलता है ना, तो याद रखना कि आपकी जो स्ट्रगल लाइफ है ना, उसका फर्स्ट चैप्टर ओपन हो चुका है। हर एक इंसान को अगर पागल लोग कहेंगे, और उस पागल को, उस गाली को, पागल वाली गाली को अगर वो इंसान अपना मोटिवेशन समझता है ना, तो वो इंसान 100% है कि श्योर है कि वो सक्सेस होगा। क्योंकि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे आप गाली दो, चाहे आप कुछ भी दो, वो इस कान से सुनता और इस कान से निकाल लेता है। क्योंकि उसे ये पता है कि सक्सेस होने के लिए पागल कहे गए लोग तो भी करने दो, कुछ करना है अपने लाइफ में, चाहे अपनी लाइफ में कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग टोकेंगे, कुछ लोग हर एक चीज करेंगे जो एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे वो लोग करते हैं, और उन चीजों के पीछे आपको भागना पड़ेगा, उस चीजों के पीछे आपको दौड़ना पड़ेगा। तो आई होप कि यार ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दिल से इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड के साथ में, अपने रिलेशन के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे आपके उस रिस्पॉन्स से। ठीक है, मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में, नए नॉलेज के साथ में, एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और अपने सपनों के ऊपर एफर्ट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके सपने ही आपके अंदर का जुनून है, और अपना अंदर का जुनून ही आपको एक दिन बहुत बड़ा बनाएगा।